बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं अली तस्लीम। आज का हमारा लेक्चर सेकंड ईयर मैथमेटिक्स फंक्शन एंड लिमिट्स। स्टूडेंट, हमने कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के किए थे प्रीवियस जो लेक्चर है हमारे पास। आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टूडेंट वो कहता है शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर 7 है। Show that parametric equations. हमने parametric equations show करवानी है। तो आपके पास जो given है question में, वो कहता है कि first part है इसका x is equal to a t square and y is equal to 280। और रिप्रेजेंट करवाना है आपने, रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जो के है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आपके पास ये दो इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। आपने शो डैट करवाना है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को, जो के है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने ये दो इक्वेशन जो आपके पास गिवन है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, ये आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें से आपने ना क्या करना है, टी को एलिमिनेट कर लेना, जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था एक्स को एलिमिनेट करते थे वाई को, फोर्थ चैप्टर में। देखना है इजीली टी एलिमिनेट किस क्वेश्चन से हो रहा है। तो इसमें आपके पास टी के ऊपर स्केयर है, इसमें स्केयर नहीं है, इसमें से आप टी को अलग कर सकते हैं। तो आपने लिखना है फ्रॉम क्वेश्चन 2 y इज इक्वल टू 280। इधर से आपने t को एलिमिनेट करना है, t की वैल्यूज निकाल लेनी है। y 2a जो है ये t के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास t की वैल्यूज आ गई है। इस t की वैल्यूज को आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देना है, पुट वैल्यू t इन 1। तो क्वेश्चन 1 आपके पास कौन सी है, x इज इक्वल टू ए टी का स्केयर, x इज इक्वल टू ए टी की जगह ये t की वैल्यूज लगा दें, y ओवर 2a, इसके ऊपर स्केयर भी है तो ये आपके पास क्या आ गया, स्केयर आ गया। x इज इक्वल टू ए वाई का स्केयर 4a स्केयर, ये स्केयर से ए कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू वाई स्केयर ओवर 4a। 4a आपके पास क्या है, इधर डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाके एक्स के साथ क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आपके पास हो जाएगा 4ax इज इक्वल टू वाई का स्केयर। ये जो आपने रिप्रेजेंट करवानी थी क्वेश्चन जो है सेम एज इट इज आपके पास आ गई है क्वेश्चन ऑफ पैराबोला, तो ये आपने शो डैट करवानी थी। ये पैराबोला हाइपरबोला ये डिफरेंट शेप्स हैं, ये हम फोर्थ चैप्टर में जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन था, इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टू क्वेश्चन है वो सेम है, इसमें आपको मैं एक कर देता हूँ, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, और इसमें आपने जो रिप्रेजेंट करवानी है वो करवानी है इक्वेशन ऑफ एलिप्स।
लीप्स जो कि है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब हमने इन दो इक्वेशनों को यूज करते हुए कौन सी जो आपने इक्वेशन रिप्रेजेंट करवानी है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। जो पिछला आपका पार्ट नंबर वन था उसमें हमने किसकी इक्वेशन को शो करवाई थी, पैराबोला की। इसमें इन दो इक्वेशनों को यूज करना आपने और इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपने ये आपने शो डैट करवानी है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर वन है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर टू है। आपने इन दोनों क्वेश्चनों को यूज करना है एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा फ्रॉम वन। अब ए कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड में जाए क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास ये बन गई क्वेश्चन नंबर थ्री। अब आपने इसको यूज करना है फ्रॉम टू y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो b जो है वो साइन थीटा के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब b y के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गई फोर। ये जो थ्री और फोर आपके पास जो न्यू क्वेश्चन आई है ना, इसका आपने क्या करना है, स्केलिंग करनी है और एडिंग करनी है बोथ साइड, इस साइड भी इस साइड भी। आपने लिख लेना है एडिंग एंड स्केलिंग ऑन बोथ साइड, इक्वेशन थ्री एंड फोर। इक्वेशन थ्री और फोर की आपने क्या करनी है, स्केयर भी ले लेना है और इनको ऐड भी कर लेना है। इस चीज को इसमें ऐड भी कर लेना है आपने और इसका स्केयर भी ले लेना है। सेम एज इट इज इक्वल की जो दूसरी तरफ है, इसका आप इसको और इसको आपने ऐड भी करना है और स्केयर भी ले लेना है। चलिए स्टूडेंट इसको और इसको ऐड करते हैं और स्केयर भी ले लें, एक्स ओवर ए प्लस ऐड किया वाई ओवर बी, और इसका आपने क्या लेना है, स्केयर ले लेना है अलग से, और इसका भी आपने स्केयर ले लेना है क्योंकि मैंने ये ऊपर लिखा है एडिंग भी करना है और साथ में स्केयर भी लेना है। इज इक्वल टू इसी तरह इसको और इसको ऐड भी कर लेना है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा ऐड कर लिया, इसके बाद हमने क्या करना है, स्केयर ले लेना है। ये स्केयर भी आपने ले लिया इनके ऊपर। अब आपने एक इसका स्केयर ओपन कर दें, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। अब आपने फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा था, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन के इक्वल। तो इस चीज की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, वन। तो आप लिख दें एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू वन। तो ये आपके पास रिप्रेजेंट होगी इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो कि हमने ये रिप्रेजेंट करवानी थी। ये क्वेश्चन था, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट इसका आप खुद ट्राई कीजिएगा। थर्ड पार्ट में आपने करना सारा कुछ यही है, लेकिन आपने लास्ट में आके ना जिधर मैंने एडिंग एंड स्केयरिंग लिखा है ना, आपने जो थर्ड पार्ट है इसका आपने उधर लिख देना है सब्ट्रैक्टिंग एंड स्केयरिंग। क्या करना आपने थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट के लिए आपने इधर एडिंग की जगह क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर देना है, और बाकी सारी चीज प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। इधर भी प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। बाकी जो इधर बनेगा वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, तीन बेसिक फार्मूले आप वन प्लस टेन स्केयर थीटा जैसे कि है इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्केयर थीटा के। अगर ये चीज़ बनेगी तो आप इसके इक्वल लिख दीजिएगा, अगर टेन स्केयर थीटा माइनस सीकेंट स्केयर थीटा बनेगा तो आप वन के इक्वल। इस फार्मूले को आप तीन तरह से रेंज में लगा सकते हैं ना, वन को आप इधर रखें सीकेंट स्केयर थीटा, ये प्लस का दूसरी साइड हो जाए क्या हो जाएगा, माइनस का। अगर तो आपके पास ये शेप बनती है लास्ट में सब्ट्रैक्ट और स्केयर करने से पार्ट नंबर थ्री की, सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, वन के इक्वल होगा, जैसे कि ये आपके पास वन के इक्वल था। लास्ट में जाके आपने ये कर देना, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर एट की तरफ जाने से पहले ना मैं आपको तीन चार फार्मूले समझाऊंगा, उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो मैं आपके सामने फार्मूले राइट कर देता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। ये आपकी बुक की पेज नंबर सेवन पे है फार्मूले।
पेज 7 पे है ये फार्मूले जो मैं लिखने लगा हूँ हाइपरबोलिक फंक्शन के। फर्स्ट फार्मूला आपके पास साइन हाइपर एक्स, जो कि आपके पास इक्वल होता है ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स ओवर 2 के। फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड आपके पास है कोज हाइपर एक्स, इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है इसके सेंटर में प्लस आ जाएगा, बाकी फार्मूला आपके पास वही है। उसके बाद थर्ड फार्मूला आपके पास टेन हाइपर एक्स, जो कि आपके पास है। अच्छा, टेन किसके इक्वल होता है? साइन ओवर कोज के इक्वल होता है। तो आप सिंपल इधर ये कर लें, साइन हाइपर एक्स याद करने में आपको आसानी रह जाएगी, साइन हाइपर एक्स कोज हाइपर एक्स। अब साइन हाइपर एक्स आपके पास फार्मूला है और कोज हाइपर एक्स का भी आपके पास फार्मूला है। साइन हाइपर एक्स की जगह ये फार्मूला लिख दें और कोज हाइपर एक्स की जगह आपने ये फार्मूला लिख देना है, यानी कि साइन हाइपर एक्स आपके पास है ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स ओवर 2 ओवर कोज हाइपर एक्स का आपके पास ये फार्मूला है ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स ओवर 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास फाइनली जो फार्मूला बनेगा ना वो ये वाला बनेगा। या तो आप इसको डायरेक्ट याद करना चाहें डायरेक्ट याद कर लें, या जैसे मैंने बनाया ऐसे कर लें आप। उसके बाद आपके पास है साइन कोस टेन, नेक्स्ट आपके पास कोट, कोट का भी आपको पता है इसका उल्टा होता है कोस ओवर साइन, इस तरह बना सकते हैं। अगर इसको आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो ये आ जाएगा ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स ओवर ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स, ये कोट हाइपर एक्स का है। उसके बाद कोसेकंट हाइपर एक्स का फार्मूला है आपके पास, वो है आपके पास साइन वाले फंक्शन को आप उल्टा दें तो ये कोसेकंट का बन जाएगा आपके पास, ठीक है। और अगर आप कोज वाले फंक्शन को उल्टाते हैं वो आपके पास किसका बनेगा? सेकंट हाइपर एक्स का। तो सेकंट हाइपर एक्स का आपके पास जो फार्मूला है वो ये आ जाएगा 2 ओवर ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स। ये आपके पास इस तरह 6 हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये इनके फार्मूले हैं। इस फार्मूले की मदद से जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा ना वो सोल्व आउट करेंगे हम। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मैंने अभी आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन के ना 6 फार्मूले लिखे थे इनकी हेल्प से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 है, वो कहते हैं प्रूव दी आइडेंटिटीज। जो कि इसकी फर्स्ट जो हमने प्रूव करनी है ना आइडेंटिटी, वो है साइन हाइपर 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपर एक्स कोज हाइपर एक्स। ये आपके पास है क्वेश्चन पार्ट नंबर 1। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करना है आइडेंटिटी का यूज करते हुए, जो कि मैंने आपके पास 6 अभी फार्मूले लिखे दिए हैं। तो स्टूडेंट हम इसकी लेते हैं राइट हैंड साइड, जो कि आपके पास है 2 साइन हाइपर एक्स कोज हाइपर एक्स, ये है आपके पास। अब साइन हाइपर एक्स का भी मैंने फार्मूला लिख के दिया है आपको कोज हाइपर एक्स का, जस्ट इसकी जगह आपने वो फार्मूले लगा देने। साइन हाइपर एक्स का फार्मूला है, मैं दोबारा लिख देता हूं इधर हिंट के तौर पर, साइन हाइपर एक्स का आपके पास फार्मूला है ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स ओवर 2, और जो कोज हाइपर एक्स का फार्मूला है आपके पास वो है ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स ओवर 2। जस्ट आपने काम ये करना है, साइन हाइपर एक्स की जगह ये वाला फार्मूला लगा देना है और कोज हाइपर एक्स की जगह आपने ये वो ये जो है फार्मूला आपने यूज़ करना है। 2 साइन हाइपर एक्स का फार्मूला आपके पास है ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स ओवर 2 इन टू आपके पास कोज हाइपर एक्स का फार्मूला है ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स ओवर 2।
अब स्टूडेंट ये देखें, हमारे पास e की x, e की माइनस x एक दफ़ा है माइनस में, और e की x और e की माइनस x एक दफ़ा है प्लस में। फर्स्ट ईयर में आपने एक फार्मूला पढ़ा था ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक दफ़ा आप प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा किस में लिखते हैं, माइनस में। अब ये एक दफ़ा माइनस में है, एक दफ़ा प्लस में है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक e की x का स्केयर माइनस e की माइनस x का स्केयर, यानी कि a का स्केयर और b का स्केयर ओवर, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें आपके पास क्या हो जाएगा, 4, और ये जो 2 है ये आपके पास वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट हम 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा 4, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा e की 2x माइनस e की माइनस 2x ओवर 2, ये आपके पास आ गया। जब भी ब्रैकेट में पावर होगी ना, वो पावर वेरिएबल या कोई भी चीज़ है उससे मल्टीप्लाई होती है। देखिए मैं अगर आपको समझाऊं, अगर ये दो चीज़ें हैं, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है, इधर आप लिख लें, चलें ये कर लें। अब ये 3 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा आपके पास, 9, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर है ना, जैसे ब्रैकेट के ऊपर थी, 2x से मल्टीप्लाई हो गया था, अब ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसे ब्रैकेट में कोई चीज़ हो वो अंदर वाले से मल्टीप्लाई होती है, आपने x की 2 नहीं कर देना, 2x आएगा, ठीक है, इसी तरह माइनस 2x, तो ये आपके पास क्या आ गया, जवाब आ गया। अब ये किसके इक्वल हुई आपके पास, साइन है पर 2x की, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड के। अब आप कहेंगे कि ये साइन है पर 2x के इक्वल कैसे होगी, तो स्टूडेंट ये देखें मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, अगर तो आपके पास इधर एंगल में 1 है तो इधर पावर में भी क्या होगा, 1 ही होगा। अगर आपके पास इधर एंगल में, जैसे कि एंगल इसका क्या है, 2 है, तो देखिए हमारे पास पावर में क्या आया, 2। अगर एंगल में आपके पास इधर 3 होगा तो पावर में इधर क्या आएगा, 3x। अगर 4 होगा तो क्या आएगा, 4x। तो इस वजह से ये किसका फार्मूला बन गया, साइन है पर 2x का। अगर इधर 2 के कुछ भी ना होता तो ये जस्ट किसका फार्मूला बनना था, साइन हाइपर एक्स का, जैसा कि ये मैंने लिखा हुआ है। अब इधर हमारे पास क्या आया है, 2 आया है, इधर भी 2 आया है, तो ये फार्मूला किसका बन गया, साइन हाइपर 2x का। ये क्वेश्चन था, उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एक पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, सेकंड पार्ट मैं कर देता हूँ इसका। सेकंड पार्ट है इसका सेकंड हाइपर स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपर स्केयर एक्स। अब अगेन आप इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड ले लें, सॉरी राइट हैंड साइड, जो कि आपके पास है 1 माइनस टेन हाइपर स्केयर एक्स के। अब टेन हाइपर का मैंने फार्मूला आपको बताया हुआ है, वो मैं दोबारा लिख देता हूँ आपके पास, वो है आपके पास e की x माइनस e की माइनस x ओवर e की x प्लस e की माइनस x, ये आपके पास टेन हाइपर एक्स का फार्मूला है। आपने जस्ट राइट हैंड साइड पे टेन हाइपर एक्स का फार्मूला यूज़ करना है, 1 माइनस टेन हाइपर की जगह आपने ये लगा देना है e की x माइनस e की माइनस x ओवर e की x प्लस e की माइनस x, ऊपर स्केयर है तो इसका आपने होल स्केयर कर देना। होल स्केयर फार्मूला आप इजीली ओपन कर सकते हैं, आपने ये फर्स्ट ईयर में भी सीखा था, e की x का स्केयर यानी कि फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर माइनस टू फार्मूले का, जो इधर होता है वो फार्मूले का होता है, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, ये आपने ए माइनस बी का होल स्केयर का फार्मूला ओपन किया है, ओवर नीचे एज इट इज़ फार्मूला ओपन करें, ई की एक्स का स्केयर
प्लस ई की माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इधर प्लस है तो प्लस टू फार्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड। ये आपने किसका फार्मूला ओपन किया है, ए प्लस बी का होल स्केयर का, ऊपर ए माइनस बी का होल स्केयर का, नीचे ए प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला आपने ओपन कर दिया। अब इस फार्मूले को आप सिंप्लीफाई कर ले, वन माइनस, ये आपके पास देखिए आप ब्रैकेट में है, पावर ऊपर है, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा e की टू एक्स, इसी तरह प्लस e की माइनस टू एक्स माइनस टू। अब देखें इनकी बेस सेम है, ये माइनस में है ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास क्या होगी, कैंसिल होगी है, जस्ट आपके पास क्या रह गया, माइनस टू ओवर, नीचे सेम एज इट इज काम आपने करना है, e की टू एक्स प्लस e की माइनस टू एक्स और प्लस टू, ये आपके पास आ गया। अब कोई स्टूडेंट कन्फ्यूजन होंगे कि ये सर ने कैसे कैंसिल कर दी है, बेस सेम हो ना स्टूडेंट तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। अब देखिए इनकी बेस सेम है, ई की दोनों के नीचे क्या है, ई है, इसकी पावर क्या है, एक्स, इसकी क्या है, माइनस एक्स, पावर क्या होगी, ऐड होगी है, ये प्लस की है माइनस की, आपके पास क्या आ गया, ई की जीरो। अब किसी चीज की पावर जीरो क्या होती है, वन हो जाती है, तो ये टू वन से मल्टीप्लाई होगा, इधर जवाब में क्या आएगा, टू ही आएगा, इस वजह से मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया है, और ये भी आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इधर भी आपके पास क्या रह गया, प्लस का टू, ये इस वजह से कैंसिल हुई है। तो अब आप इसका ले लें एलसीएम, इसके नीचे वन है, इसका आपके पास एलसीएम आ गया, ये नीचे वाला ई की टू एक्स प्लस ई की माइनस टू एक्स प्लस टू। अब इसको इस वन से मल्टीप्लाई करवाना आपने, ई की एक्स सॉरी टू एक्स प्लस ई की माइनस टू एक्स प्लस टू, और यह चीज़ इसे कैंसिल होगी, ऊपर वाली वैसी आ गई है, माइनस ये वाला माइनस इधर आ गया, और बाकी ऊपर वाली चीज़ आपके पास सेम एज इट इज़ आ गई है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है कर दें, ये आपके पास ई की टू एक्स प्लस का है, ये माइनस का है, और ये जो आपके पास है इस माइनस को आपने मल्टीप्लाई करना था, थोड़ी इस स्टेप हम दोबारा करते हैं, ये जो माइनस है ना अंदर मल्टीप्लाई होगा हमारे, तो ये आप लिख लें e की 2x प्लस e की माइनस 2x प्लस 2, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, e की 2x, इस माइनस ने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, इस माइनस ने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, पहले हमने माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करवाया था, ये माइनस अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है वो कर दें, e की 2x प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये चीज़ कैंसिल हो गई है, इस टू टू ऐड हो रहा है आपके पास, टू प्लस टू फोर, फोर ओवर e की 2x प्लस e की माइनस 2x प्लस टू। अब स्टूडेंट देखिए ये जो फार्मूला आपका किससे ओपन हुआ था, किस चीज़ से ओपन हुआ था, हमने इस फार्मूले को ओपन किया था तो हमारे पास ये फॉर्म बनी थी, e की 2x प्लस e की माइनस 2x प्लस टू, किसको ओपन किया था, इसको जो मैंने नीचे ओपन किया हुआ है। अगर मैं इसको दोबारा क्लोज कर दूं तो ये दोबारा इस फॉर्म में हो जाएगा, e की x प्लस e की माइनस x का स्केयर। अब मैं इसको दोबारा क्लोज करने लगा हूं, 4 किसका स्केयर होता है, 2 का, इसको अगर मैं दोबारा फार्मूले में क्लोज करूं, e की x प्लस e की माइनस x का स्केयर, और इसके ऊपर भी आ गया स्केयर, क्योंकि 4 किसका स्केयर होता है, 2 का, इसके ऊपर भी स्केयर है, इसके ऊपर भी स्केयर है, होल स्केयर कर दें आप। अब ये फार्मूला किसका बना है, आप जरा गौर कीजिएगा, जो मैंने 6 फार्मूले लिखवाए थे देखिए उनमें ये फार्मूला किसका बना है, ये फार्मूला स्टूडेंट बन गया सीकंट हाइपर एक्स का, किसका बन गया, सीकंट हाइपर एक्स का, और इसके ऊपर क्या है, स्केयर है, तो फिर किसका बन गया, सीकंट हाइपर स्केयर एक्स का। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें हमने क्वेश्चन 8 तक डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।